नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वाईफाई ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड और बीटीसी के बीच जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसमें क्या हुआ और कब उसका फैसला आने वाला है, बीएड के पक्ष में जाएगा या बीटीसी पक्ष में जाएगा, ये सब आज हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट मिलेगी मैं इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड और बीटीसी की जो सुनवाई चल रही थी 12 जनवरी 2023 को पूरा हो चुकी है, यानी जो बीएड और बीटीसी के वकील थे ये अपनी सुनवाई को पूरे कर चुके हैं। इसमें अब कोई सुनवाई करनी नहीं है, जितनी भी सुनवाई है यानी जितनी भी बहस है वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब बस बाकी क्या रह गया है कि 16 तारीख से लेकर और 20 तारीख के बीच जो रिटेन फाइल है उसको जमा करके कंप्लीट करनी है, और 20 तारीख यानी इसी शुक्रवार 20 तारीख से 90 दिनों के बीच जज जो है अपना फैसला सुनाकर कंप्लीट करेगा। यानी ये इसमें 90 दिनों का समय रखा गया है, यानी इसमें अब बहस वहस होने वाली कुछ नहीं है, जो भी बहस होने वाली थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। बस अब जज को क्या करना है कि जज को अपना फैसला सुनाना है। अब ये फैसला सुनाने के बाद ही कंप्लीट होगा कि बीएड के पक्ष में केस जाएगी या बीटीसी पक्ष में केस जाएगी, वो तो समय बताएगा। इसलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि 2023 जो है ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा बीटीसी या बीएड के पक्ष में, तो वो केस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुरंत जो है शिक्षक भर्ती आएगी, यानी आप सभी को इस शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल जी जान लगा के उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि इस साल जो है नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है और उस नई शिक्षा नीति के तहत जो है शिक्षक भर्ती कराई जाएगी। नए आयोग का गठन होने वाला है और उसी नए आयोग के गठन के द्वारा ही शिक्षक भर्ती कराई जाएगी। तो सभी के बारे में इस चैनल पर आपको न्यूज मिलती रहेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।